अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप। अच्छा, आज का हमारा वीडियो है एरर कोड 5665। अब ये आप लोग आप में से काफ़ी सबको पता होगा व्हाट इज़ एरर कोड 5665। ये एरर कोड आता है जब हम नया कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने की कोशिश करते हैं अमेज़ोन पे। अच्छा, ये रोल आउट हुआ है जनवरी 2020 से। इससे पहले हमें कभी भी कोई एरर नहीं आता था। सही है, हम सिंपली लिस्टिंग अप कर देते थे अमेज़ॉन पे, कोई भी लिस्टिंग बनाते थे और सिंपली वो लिस्टिंग लाइव हो जाती थी। लेकिन सिंस जनवरी 2020 अमेज़ॉन ने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी नई प्रोडक्ट ऐड करने पे, तो उसकी वजह से हमें ये एरर कोड 5665 आ रहा है। और अब हमें इसका सोल्यूशन डिस्कस करना है, हाउ वी कैन फाइंड सोल्यूशन टू सॉल्व दिस एरर एक्चुअली। ओके, सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा आपको प्रोसेस डिफाइन करा है स्टेप बाय स्टेप हाउ टू गेट दिस एरर कोड फिक्स लेजिटिमेट इन अ लेजिटिमेट वे। सही है, नो हैक्स, प्योर लेजिटिमेट वे से। सही है, तो इसे जरा देखते हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज एरर कोड 5665, हाउ वी कैन नेविगेट टू दिस एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अमेज़ॉन। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, प्लीज 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 डू नॉट यूज NA/A और जेनेरिक एज योर ब्रांड नेम। सही है, ये ट्रिक्स चलती थी, बिल्कुल चलती थी, जून तक चल जाती थी, बट नाउ अमेज़ॉन इट्स नॉट इवन एक्सेप्टिंग NA/A और जेनेरिक। ये अमेज़ॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। और अगर आपने अपना ब्रांड नेम NA या मैन्युफैक्चरर नेम में NA रख दिया और आपने इसे अमेज़ॉन ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो फिर बाद में आपको चेंज करते हुए अमेज़ॉन काफ़ी परेशान करेगा। तो आई वुड से कि हम शुरू से ही विदाउट एनी हैक्स काम करें और इन अ लेजिटिमेट मैनर इस एरर कोड को समझें और इसका सोल्यूशन डिस्कस करें। जब आप नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और आप वहाँ पे प्रोडक्ट ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चरर नेम एंटर करेंगे, तो आपको ये एक एरर नजर आ जाएगा आपके अमेज़ॉन की स्क्रीन पे। वो आपको सेव करने नहीं देगा आपकी लिस्टिंग। तो लेट्स सी व्हाट दिस एरर हैज टू से। इट सेज अमेज़ॉन मस्ट अप्रूव योर ब्रांड बिफोर यू कैन यूज इट टू लिस्ट प्रोडक्ट। ब्रांड शुड बी रजिस्टर्ड थ्रू ब्रांड रजिस्ट्री, बट हियर इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट विच सेज, बट इफ योर ब्रांड इज नॉट एलिजिबल फॉर ब्रांड रजिस्ट्री, यू कैन ऑब्टेन एन एक्सेप्शन बाय कॉन्टेक्टिंग सेलर सपोर्ट एंड मेंशनिंग एरर कोड 5665। तो ये मिथ है कि हमें ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए लिस्टिंग बनाने के लिए। नहीं चाहिए, इवेंचुअली हम ब्रांड रजिस्ट्री बाद में फाइल कर सकते हैं, लेकिन हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी अमेज़ॉन से कोई भी नया प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए। अच्छा, फिर अमेज़ॉन कहता है कि वेन कॉन्टेक्टिंग सेलर सपोर्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द ब्रांड नेम यूज वेन क्रिएटिंग द लिस्टिंग, तो ब्रांड नेम देना है, इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग शोइंग ब्रांडिंग ऑन ईदर, द इमेज कैन शो द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग हेल्ड इन हैंड और प्लेस ऑन अ टेबल, द ब्रांडिंग मस्ट बी परमानेंटली अफिक्स्ड। ओके, यहां तक आपको आई गेस सारी चीजें क्लियर हो गएंगी, लेकिन परमानेंटली अफिक्स्ड क्या है इसको जरा हम देखते हैं कि वॉट इज परमानेंटली अफिक्स्ड। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है, इफ यूजिंग इन्वेंट्री फाइल टेम्पलेट प्लीज ऑल्सो प्रोवाइड द बैच आईडी ऑफ द इन्वेंट्री फाइल इफ यूजिंग। तो हम इन्वेंट्री फाइल से फ्लैट फाइल के थ्रू या इन्वेंट्री फाइल अपलोड के थ्रू हम लिस्टिंग नहीं बनाते, तो ये हमारे पर अप्लाई नहीं होता। सही है। अच्छा, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज रिव्यू। मैंने जब इस पर क्लिक किया तो अमेज़ॉन ने मुझे एक ऐसे पेज पे ला के रख दिया। सही है, तो मैंने यहाँ से देखा कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हैं, ये एरर है और ये इन्फॉर्मेशन है जो हमें अमेज़ॉन को देनी है। सही है, ये रिक्वायरमेंट्स है, ये चाइनीज में है, लेकिन इसका मतलब रिक्वायरमेंट और ये एरर। अच्छा, अब इसको वापस एक दफा देखें तो ये वही चीज यहाँ पे कह रहा है जो मुझे एरर में का। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है, द ब्रांड नेम यूज व्हेन क्रिएटिंग द लिस्टिंग, इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग शोइंग ब्रांडिंग ऑन ईदर, द इमेज कैन शो द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग हेल्ड इन हैंड और प्लेस ऑन अ टेबल, द ब्रांडिंग मस्ट बी परमानेंटली अफिक्स्ड, इफ यूजिंग इन्वेंट्री फाइल अपलोड प्लीज ऑल्सो प्रोवाइड द बैच आईडी। हम इन्वेंट्री फाइल अपलोड नहीं कर रहे थे, हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन परमानेंटली अफिक्स का मतलब हमें समझना है। तो परमानेंटली अफिक्स का मतलब ढूंढने के लिए मैं FAQs पे आया, तो Amazon कहता है कि व्हाट डस परमानेंटली अफिक्स ब्रांडिंग मीन, अ ब्रांड नेम प्रिंटेड ऑन पैकेजिंग वुड बी कंसिडर्ड परमानेंटली अफिक्स।
कोई भी ब्रांड नेम जो प्रिंटेड पैकेज के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है, स्टिकर की बात नहीं हो रही, प्रिंटिंग की बात हो रही है, वो परमानेंटली अफिक्स कहलाएगा। परमानेंटली अफिक्स वो होता है कि किसी चीज पे कुछ प्रिंट हुआ हुआ है तो हम वो निकाल नहीं सकते, हम उसे सिर्फ हम उस चीज को जो भी बॉक्स पे कुछ प्रिंट हुआ हुआ है तो हम उसे किसी तरीके से भी रिमूव नहीं कर सकते, सही है। स्टिकर रिमूव हो जाता है, परमानेंटली अफिक्स रिमूव नहीं होता, वो प्रिंटेड होता है। अब ये कहता है कि अ स्टिकर वुड नॉट बी कंसिडर्ड परमानेंटली अफेक्ट्स ब्रांडिंग एज इट कैन बी एडिड आफ्टर प्रोडक्शन। तो अमेज़न कहता है कि भाई स्टिकर तो परमानेंटली अफेक्ट्स कंसिडर ही नहीं हो सकता, सही है। इफ अ प्रोडक्ट और पैकेजिंग डज नॉट हैव एनी ब्रांडिंग द ब्रांड वैल्यू शुड बी जेनेरिक। अच्छा, अगर वो कहता है, अमेज़न कहता है कि अगर पैकेजिंग है ही नहीं, कोई ब्रांडिंग ही नहीं है, तो फिर तो आप जेनेरिक डाल के चला लो, लेकिन हमें तो हमारी ब्रांडिंग करनी है, हमारा तो ब्रांड नेम होगा। एक दफा अगर आपने ये जेनेरिक कर दिया ना, उसके बाद आपकी लिस्टिंग वापस नॉर्मली एनए वो आपके ब्रांड नेम पे नहीं आएगी, सही है। तो जेनेरिक तो कभी भी नहीं करना है, सही है आपको। अच्छा, सम प्रोडक्ट कैन नॉट बी परमानेंटली अफेक्ट्स लाइक फर्नीचर और ज्वेलरी। इन दिस केस द पैकेजिंग मस्ट शो एविडेंस ऑफ द ब्रांड बीइंग परमानेंटली अफेक्ट्स अपॉन इट। किसी किसी प्रोडक्ट में हम पैकेजिंग यूज ही नहीं कर रहे, तो उसके अंदर हमें प्रोडक्ट इटसेल्फ पे अमेज़न को दिखाना है कि ये अफिक्स्ड हुआ हुआ है, परमानेंटली अफिक्स्ड हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं कोई मेटल रॉड की, सही है, कोई मेटल रॉड है, तो या गाड़ी की बात कर लें, गाड़ी की ना मेटल रॉड की बात कर लें कि मेटल रॉड है, मेटल रॉड को मैं किसी बॉक्स में तो डालूंगा नहीं, सही है, तो मैं उसी पे परमानेंटली इम्बोज करवा सकता हूँ अपना ब्रांड नेम, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एट परमानेंटली अफिक्स। या आप कोई वो देख लें, प्रॉब्ली कोई फर्नीचर है, फर्नीचर ज्यादातर बॉक्सेस में नहीं आते, तो उसके ऊपर इंग्रेव हो सकता है, तो मतलब किसी भी किस्म का, बस लेकिन परमानेंटली लगा होना चाहिए, प्रिंट ना हो, सो वो प्रिंट कह रहा हूँ, सॉरी, स्टिकर ना हो। अच्छा, अदर प्रोडक्ट लाइक फोन केसेस और क्लोथिंग कैन हैव अ ब्रांडिंग ऑन प्रोडक्ट। आपको पता है क्लोथ के अंदर टैग लगा हुआ होता है, तो वहां पे आपका ब्रांड नेम नजर आता है। अच्छा, व्हाट इफ माई ब्रांड प्रोडक्ट डू नॉट हैव यूपीसी एन, तो यूपीसी रिक्वायरमेंट भी वेरी अक्रॉस कैटेगरीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम कैटेगरी, ये हमारे लिए नहीं है, तो इसको ये छोड़ दें अभी। अच्छा, अब मैंने जो बातें की इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, तो इसका इजिएस्ट, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट चीपेस्ट सोल्यूशन ये है, आप कोई भी बॉक्स ले लें, सही है, किसी भी सप्लायर से जब बात कर रहे हैं तो उसको बोलें कि जो भी आपकी पैकेजिंग होगी या कुछ भी है, सही, आप किसी पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर से कॉन्टेक्ट कर लें, $25-30 आपके खर्च होने हैं हार्डली, आपको ऐसा एक बॉक्स आराम से प्रिंट होके मिल जाएगा आपकी ब्रांडिंग के साथ। आपको, आप भले अपना प्रोडक्ट, यू आर नॉट पुटिंग इट लाइक इन व्हेन वी आर गोना ऑर्डर इन्वेंट्री, और जब हम पैकेजिंग फाइनल करेंगे तो हम बॉक्स जरूरी नहीं है कि यूज करें, सही है, इट्स नेवर नेसेसरी टू गेट अप्रूवल। हम ऐसा कोई भी पैकेज ले सकते हैं, कोई भी सिंपल कार्डबोर्ड का बॉक्स में उस पर अपना ब्रांड नेम वगैरह प्रिंट करवा लें, सप्लायर को भेज दें, सप्लायर को बोलें इसकी फोटो लो, साथ में प्रोडक्ट की फोटो लो, इसको अमेजोन को भेज दें, अच्छी हाई रेजोल्यूशन इमेज भेज दें, आपका काम हो जाएगा। या ऐसा कोई भी फ्रॉस्ट जिपर बैग्स होते हैं, इस पे आप जैसे देखें यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ है, यहाँ पे हुआ हुआ है, आप वैसे ही कुछ भी प्रिंट करवा लें, हार्डली $25-30 में आपका परमानेंट सोल्यूशन है, सही है। तो ऐसा एक करके ये इजी वे आउट है सोल्यूशन का। अच्छा, कुछ बिफोर यू रीच आउट टू अमेज़न, ये चीजें आपको मेक श्योर करनी है कि इंश्योर यू हैव अ प्रूफ अ ब्रांड फॉर योर प्रोडक्ट, विच मीन्स यू नीड टू हैव अ रेडी सैंपल विद योर ब्रांड परमानेंटली अफेक्ट्स ऑन योर प्रोडक्ट, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया है। टेक पिक्चर ऑफ योर प्रोडक्ट प्लस पैकेजिंग, डिफरेंट एंगल से शॉट लें, सही है, फ्रॉम अ क्लीन सरफेस, क्लोजअप शॉट ले लें, सही है, हाथ में पकड़ के शॉट जरूर लीजिएगा, सही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाई आई बोल्ड दिस टैग्स एंड हाईलाइटेड। अच्छा, प्लीज अवॉइड करिएगा स्टिकर, एनए, इन सब चीजों को, हैक्स को अवॉइड करें, लेजिटिमेट वे से करें सारी चीजें। अच्छा, अब जब आप ये सारी चीजें आपके पास रेडी होंगी, सही है, सिंपली अमेजोन पे जाएं, हेल्प सेक्शन, केस लॉक पे जाएं, वहां पे हेल्प सेक्शन में जाएं, केस एक ओपन करें, वहां पे सब्जेक्ट में एरर कोड 565 मेंशन करें, वहां पे ब्रांड नेम मेंशन करें, वहां पे सारी चीजें अटैचमेंट में इंक्लूड कर दें, मेक श्योर करें हर फाइल आपकी जेपैक और पीडीएफ के फॉर्मेट में हो, पीएनजी में कोई भी ना हो। ये सारी चीजें कर देंगे, उसके बाद आपको करना होगा वेट। तो मैंने यहाँ पे एक चीज भी लिख दी, बी पेशेंट बट परसेप्शन हैज द की टू। अमेज़न से कभी भी कोई भी काम करवाने का तरीका यह है कि आप उनको रिमाइंड करवाएं हर 2-3 दिन बाद। अमेज़न आपको पेनलाइज नहीं करेगा, जितनी दफा रिमाइंड करवाना है उतनी दफा करवाएं, अमेज़न को इंगेज रखें ताकि वो आपका काम जल्द से जल्द करके दें।
कोई आप जितनी दफा वो करेंगे उनका उतनी दफा रिप्लाई आएगा. वैसे नॉर्मली टेक 7 to 20 days, बट इफ यू पुश देम ऑन लाइक आफ्टर एवरी 2 days टू व्हाट्स द अपडेट, व्हाट्स द अपडेट, कैन यू प्लीज हेल्प अस आउट, और ऐसा करके कुछ भी अच्छा सा मैसेज देखें एवरी आफ्टर एवरी 2 days, ताकि आपका प्रोसेस जल्द से जल्द हो जाए. आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेटिंग योर सेल्फ फिक्स विद दिस एरर 5665. And this is the most legitimate way which I have used and which I ask a student to use as well. Probably the most legitimate way to get things fixed. Thank you so much.